हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ करंट अफेयर्स के कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमा दास को। और इसके साथ ही इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं इनके, गोल्डन गर्ल और ढिंग एक्सप्रेस। किसे जाना जाता है? हिमा दास को। अब देखिए, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, ये इंडियन एथलेटिक्स रेसर प्लेयर हैं। इन्होंने जुलाई महीने में एथलेटिक्स खेलों में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए, इन्हें सन 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, ये यूनिसेफ की यूथ ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और ये असम राज्य की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और ये असम राज्य से ही बिलोंग करती हैं। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंडिया की 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया की 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा। बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर है LIC, तीसरे स्थान पर है इन्फोसिस। तो आपको तीनों क्रम से याद रखने हैं, पहले स्थान पर टाटा है सबसे मूल्यवान ब्रांड, दूसरे स्थान पर LIC और तीसरे स्थान पर इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, जो भी हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया गया है, तो इस इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो है 52वां। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें प्रथम स्थान किस देश को मिला है, वो है स्विट्जरलैंड को। अब देखिए, 2019 में जो इसकी थीम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है क्या है, क्रिएटिंग हेल्थी लिप्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य जल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए, जल नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है मेघालय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए, आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को अभी हाल ही में बनाया है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय की स्थापना अभी हाल ही में की गई है, तो उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, केंद्र सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, और इसके केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य। देखिए, हिमालयी राज्यों का प्रथम सम्मेलन होगा कहाँ पर होगा? उत्तराखंड राज्य में होगा, 28 जुलाई 2019 को, आपको याद रखना है। अब देखिए, बात उत्तराखंड की हुई है, तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो CM है कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ की जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारत के प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, विवेक कुमार को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेक कुमार को, आपको याद रखना है। देखिए, ये वर्तमान में इस समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2 नए जिले बनेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में, आपको याद रखना है। देखिए, 2 नए जिले बनने के बाद तमिलनाडु में जिलों की संख्या अब 35 हो जाएगी। अब देखिए, 2 नए जिले कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। देखिए, पहला जिला है तेनकासी, जो कि तिरुनेलवेली से अलग होकर बनेगा, और दूसरा जिला है चेंगलपेट, जो कि कांचीपुरम से अलग होकर बनेगा। अब देखिए, बात तमिलनाडु की हुई है, तो तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है? तो के पलानी स्वामी है, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है करंट अफेयर्स का, ये है कि भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ पर खोला गया था? तो वो तमिलनाडु में ही खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अनुसार भारत की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी है रिलायंस जियो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलायंस जियो। देखिए, इसके जो ग्राहक यूजर्स हैं कितने हैं, तो 3.2
करोड़ इसके ग्राहक यूजर्स हैं। बात करें कि पहले स्थान पर कौन सी कंपनी यानी कि सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, तो वोडाफोन आइडिया है जो कि ये मर्ज हो गई है, तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। इसके ग्राहक यूजर्स हैं 39.75 करोड़। और अब तीसरे स्थान पर आ गई है एयरटेल, इसके ग्राहक यूजर्स हैं 32.03 करोड़। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द बार के लेखक कौन है? तो देखिए ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस बुक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रचना बिष्ट रावत। अब देखिए इस बुक को कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया है। आप देखिए कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1999 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर बाहर कर दिया था। अब देखिए प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। तो इसी के मौके पर जो अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार है, यानी कि कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार है, इस बुक को लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और रेल मंत्रालय। देखिए 2025 तक टीबी के उन्मूलन यानी कि टीबी को भारत से जड़ से समाप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन तीनों मंत्रालयों के साथ समझौता किया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए भारत का एक और लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने इसराइल में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संजीव सिंगला को। आपको इनका नाम याद रखना है, ये इसराइल में अब भारत के अगले नए राजदूत होंगे। अब देखिए ये इनसे पहले कौन थे, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव थे, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन बने हैं, तो विवेक कुमार बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। भारत और चीन देश के बीच दिसंबर 2019 में हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो मेघालय के उमरोई में होगा, तो आपको याद रखना है। और देखिए अभी हाल ही में जुलाई महीने में ही एक सैन्य अभ्यास भी अभी समाप्त हुआ है, जिसका नाम है गरुण वायु सैन्य अभ्यास था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जो 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी, ये कहाँ पर हो रही थी, तो ये ओडिशा के कटक में हो रही थी। अब इसका समापन हो चुका है, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है भारत, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। भारत ने इसमें कुल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य शामिल हैं। देखिए इसमें खास बात यह है कि जो स्वर्ण पदक है, तो भारत से अलावा किसी भी दूसरे देश ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है, यानी कि सभी 7 स्वर्ण पदक भारत ने ही जीते हैं, तो आपको याद रखना है। और इसमें दूसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 रजत और 3 कांस्य शामिल है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जीता है हरमीत देसाई ने। बात करें महिला एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो आहिका मुखर्जी ने जीता है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य में। देखिए केरल सरकार तिरुवनंतपुरम के नॉलेज सिटी में देश का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित करेगी, तो आपको याद रखना है। देखिए इसका जो उद्देश्य है, शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। तो किस राज्य में होगा पहला भारत का स्पेस टेक पार्क, तो केरल राज्य में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। मैंने आपको यही बताया कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे यानी कि कूड़ा कैफे आरंभ हुआ है। देखिए इसके तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले नगर निगम गरीबों एवं घर विहीन लोगों को खाना उपलब्ध कराएगा। देखिए इसमें 1 किलोग्राम अपशिष्ट प्लास्टिक लाने वाले लोगों को 1 प्लेट खाना दिया जाएगा, और
500 ग्राम अपशिष्ट प्लास्टिक लाने वाले लोगों को नाश्ता दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए इस समय जो छत्तीसगढ़ के सीएम है कौन है, तो भूपेश बघेल हैं, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की नई राज्यपाल बनी है अनुसुईया उइके। तो आपको सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव थापा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो देखिए प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं शिव थापा, तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था प्रेसिडेंट कप का, तो इसका आयोजन कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो देखिए संगीत अकादमी के संगीता कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है एस सोम्या को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गायिका एस सोम्या को, आपको याद रखना है। देखिए इन्हें ये पुरस्कार 1 जनवरी 2020 को दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन इंडोनेशियन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए बैडमिंटन इंडोनेशियन ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब जीता है अकाने यामा गुची ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकाने यामा गुची, ये जापान की हैं, इन्होंने भारत की पीवी सिंधु को हराकर ये खिताब जीता है, तो आपको याद रखना है। देखिए इसका आयोजन किया गया था जकार्ता इंडोनेशिया में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है? तो देखिए भारतीय बॉडी बिल्डर खिलाड़ी रविंद्र कुमार मलिक ने इस ये खिताब जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्र कुमार मलिक ने, आपको याद रखना है। देखिए मिस्टर साउथ एशिया ये इसका आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था 20 जुलाई को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की प्रीति पटेल को कहाँ का गृह मंत्री बनाया गया है? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, तो प्रीति पटेल को ब्रिटेन का ही गृह मंत्री बनाया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। देखिए इसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी, जो कि गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से भी ऊंची होगी। देखिए जो गुजरात में प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसकी ऊंचाई है 183 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई होगी भगवान श्री राम की प्रतिमा की कितनी होगी, 251 मीटर। तो आपको याद रखना है, इस समय जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम जानवरों का डीएनए बैंक कहाँ पर बना है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए भारत में प्रथम जानवरों का डीएनए बैंक बना है उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बरेली में। देखिए आपको याद रखना है कि हाथियों का पहला अस्पताल भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में बना है, और हाथियों का पहला जल चिकित्सालय भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही बना है, तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यहाँ पर बी है, ए एवं बी दोनों, यानी कि केशव दत्त और प्रसून बनर्जी, तो इन दोनों को 29 जुलाई 2019 को मोहन बागान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए केशव दत्त ये 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, और प्रसून बनर्जी ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, तो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाए थे, सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर नहीं दिया था, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसे अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, और इसका संविधान भी अलग है, तो जम्मू कश्मीर के संविधान में सिर्फ संविधान संशोधन राज्य विधानमंडल ही कर सकती है जम्मू कश्मीर राज्य की। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? देखिए आपको बताना है कि जो चंद्रयान मिशन 2 है इसमें लैंडर का नाम
क्या रखा गया है, और साथ ही आपको बताना है कि इसमें रोवर का नाम क्या है। तो आपको लैंडर और रोवर दोनों का नाम बताना है। तो देखिए, ये जो चंद्रयान मिशन टू है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही इस टॉपिक पर एक वीडियो पूरा बना दिया है। आप हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ज़रा सा भी काम का हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।